तो ये है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना का एंड सेमेस्टर का फिफ्थ सेम का पेपर है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का। तो मैं अभी इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है मैं उसका सॉल्यूशन बता देती हूँ, बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बाउंड्री लेयर किस में एग्जिस्ट करता है? तो फ्लो इन रियल फ्लूड, इसका आंसर था फ्लो इन रियल रियल फ्लूड। ठीक है, द नॉर्मल नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड बाउंड्री एट टू अ पॉइंट। तो उसका आंसर था डी, एवरी एवरी वेयर द वेलोसिटी इज 99% ऑफ एसिम्प्टोट लिमिट। देखिए, जैसे कि आप ये बाउंड्री लेयर में आप ऐसे इस तरीके से पढ़े होंगे, ये बाउंड्री लेयर है, ये बाउंड्री, इतना दूर तक बाउंड्री लेयर होता है, स्ट्रीम फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ऐसे मैं डिटेल में इसको बताऊंगी, ऐसे मैं सिंपल सा इसको बता देती हूँ। यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होता है 0.99 यू इनफाइनाइट के बराबर होता है इसका वेलोसिटी। तो यही यही पूछ रहा है कि एसिम्प्टोट लिमिट, इसका आंसर है ये। मैं इसको डिटेल में ऐसे बताऊंगी, अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि टाइम कम है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इफ द अल्टरनेट डेप्थ ऑफ, थर्ड क्वेश्चन, इफ द अल्टरनेट डेप्थ ऑफ सर्टेन फ्लो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज 3 मीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली, द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द चैनल। तो इसमें तीन चार फॉर्मूले हैं जो कि स्पेसिफिक फोर्स का, जो स्पेसिफिक फोर्स जब आप पढ़िएगा हाइड्रोलिक का, हाइड्रोलिक जब पढ़िएगा तो उसमें डिटेल में मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगी। वैसे इसका आंसर मैंने सॉल्व किया था तो इसका आंसर 1.65 आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है मैनेंस मैनेंस फॉर स्ट्रीट कंक्रीट सीवर इज अबाउट। तो वो होता है अप्रॉक्स 0.01 02 0.014। तो उसका इस तरीके से तो इसका आंसर हो गया 0.014। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी अप्रॉक्स आंसर हो या इन दोनों के बीच का आंसर होता तो वो इसका आंसर हो जाता, लेकिन वो डायरेक्ट इसको लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के 12 प्रोफाइल्स बनते हैं जो कि जिसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो इसका 12 प्रोफाइल्स, तो इसका आंसर है सी। एंड द टू नेक्स्ट है द डिस्चार्ज इन ओपन चैनल फ्लो कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ। तो ऐसे में मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट जब डिस्चार्ज का बात कर रहा है ओपन चैनल फ्लो में एट क्रिटिकल डेप्थ पे, तो क्रिटिकल डेप्थ पे जो है उसका डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग, इन अ ट्रायंगुलर चैनल द वैल्यू ऑफ ई सी बाई ई वाई। तो ट्रायंगुलर चैनल में मैंने एक फॉर्मूला, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई सी इक्वल्स टू 5/4 yc। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे ये आता है फॉर्मूला और कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो इसका जब 5/4 को हम डिवाइड करते हैं, लाइक 5/4, 5 / 4, तो वो आ जाता है देखिए 1.25। ठीक है, तो इसका आंसर है 1.25। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो आप लोग पढ़े हुए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, वो सेम थिंग, सेम वही है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो आप लोगों ने इस तरीके से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पढ़ा होगा, ये है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये है टोटल एनर्जी लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है डाउनवर्ड जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में डाउनवर्ड स्लोप दे रहा है, तो इसका आंसर होगा सी, ऑलवेज स्लोपिंग डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये तो बहुत ही सिंपल था। एंड नेक्स्ट था हाइड्रोलिक जंप अकर इन ओपन चैनल चैनल व्हेन, इसका आंसर होगा सेकंड, व्हेन फ्लो चैनल फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक लास्ट है कि इफ द फ्राउंड नंबर ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज 5.5 इट कैन बी क्लासिफाइड एज। तो वो इसका आंसर है स्टीवी जंप। इसका भी मैं डिटेल में इसका एक चार्ट है उसको शेयर करूंगी। वैसे ये क्वेश्चंस
बीयू का क्वेश्चन था और काफी सिंपल था। बीयू का जो भी हाइड्रोलिक का अगर पेपर बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। मैं पूरा पेपर आपको शो कर देती हूँ, ठीक है? अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, क्योंकि ये पेपर बहुत ही ईजी था। मैंने लगभग 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगा। ये सब भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। मैं इस पर भी का सॉल्यूशन सारा दे दूंगी, इस पर वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है? ये सारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप अच्छे से देख सकते हैं। और मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पढ़े, हाइड्रोलिक पढ़े कि आपका 70 out of 70 आ जाए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिहार इंजीनियरिंग के भी जितने भी सिलेबस हैं उस पर किस तरीके से अचीव करना है मार्क्स, उस पर बहुत सारे वीडियोज लाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच।